स्लोवाकिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को 15 मई को हैंडलोवा शहर में जान से मारने की धमकी दी गई। हत्या के प्रयास में रॉबर्ट फिको गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ऑपरेशन किया गया। स्लोवाकिया के उप प्रधानमंत्री टॉमस तराबा ने बताया कि फिलहाल फिको की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। रॉबर्ट फिको को प्रधानमंत्री बने अभी 6 महीने का समय ही हुआ था, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने और उनके गठबंधन सहयोगियों ने स्लोवाकिया की संस्थाओं पर इस दौरान तगड़ा आघात किया है, जिसकी वजह से देश की जनता उनसे नाराज थी। स्लोवाकिया मीडिया द्वारा हमलावर की पहचान 71 वर्षीय कवि जुराज सिंटूला के रूप में की गई है, जिसने पीएम रॉबर्ट फिको की हत्या का प्रयास किया था। स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जुराज सिंटूला एक निजी सुरक्षा कंपनी का पूर्व कर्मचारी और एक कविता संग्रह का लेखक है। 4 बार प्रधानमंत्री रहे राजनीतिक दिग्गज फिको पर आरोप है कि उन्होंने स्लोवाकिया की विदेश नीति को क्रेमलिन के पक्ष में खड़ा करने का काम किया है। बताया जाता है कि हैंडलोवा शहर में हाउस ऑफ कल्चर के बाहर 4 गोलियां चलाई गई जो फिको के पेट में लगी। गोली लगने से पहले उन्होंने इसी जगह बैठक की थी। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया और घटनास्थल को सील कर दिया गया। प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज पर एक आधिकारिक संदेश में कहा गया, आज रॉबर्ट फिको की जिंदगी लेने की कोशिश की गई, उन्हें कई बार गोली मारी गई, फिलहाल उन्हें हेलीकॉप्टर से वॉयस्ट्रिका ले जाया जा रहा है, लेकिन तत्काल सर्जरी की आवश्यकता के कारण सड़क के रास्ते में बहुत लंबा समय लगेगा, अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होंगे। अब आपको बताते हैं कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निजी और सार्वजनिक जीवन के बारे में। रॉबर्ट फिको का जन्म 1964 में तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। वो शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। साम्यवाद के पतन से पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। 1986 में कानून की डिग्री हासिल की और 1992 में डेमोक्रेटिक लेफ्ट की पार्टी के साथ पहली बार स्लोवाकिया की संसद के लिए चुने गए। 1990 के दशक के दौरान फिको ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष स्लोवाकिया का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सरकारी एजेंट के रूप में कार्य किया। 1999 में वो सेमर यानी डायरेक्शन पार्टी के अध्यक्ष बने और तब से इसमें एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, और लोग अक्सर फिको और सेमर को वामपंथी लोक लुभावन बताते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी तुलना हंगरी के प्रधानमंत्री दक्षिणपंथी राजनेता विक्टर ऑर्बन से भी की है। फिको पिछले साल स्लोवाकिया में सत्ता में लौटे। वो पहले 2006 से 2000 तक और फिर 2012 से 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उनके तीसरे कार्यकाल ने उन्हें स्लोवाकिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सरकार प्रमुख कर दिया। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है।